आज के युवा अगर राजनीति में ना आए तो फिर राजनीति सही नहीं चलेगा ना। तो मुझे लगता है कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, और मनीष कश्यप ने अच्छा किया है राजनीति में आकर। मनीष कश्यप ने अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। बहुत लोग गाली दे रहे हैं उनको, उनको क्या कहिएगा? गाली देने वाले ऐसे तो लोग मोदी जी को भी गाली देते हैं, लेकिन उन्होंने अच्छा काम किया है तो मुझे लगता है कि सही है। आपको क्या लगता है कि मनीष कश्यप ने जिस तरीके से पाला बदला है और बीजेपी ज्वाइन कर लिया है, सही डिसीजन है उनका या गलत डिसीजन है, बताइए आप जरा। देखिए, तत्काल में अगर सोचने पर तो गलत डिसीजन है, लेकिन वो सही किया उन्होंने। कह रहे हैं लोग, ये आरोप लगा रहे हैं कि मनीष कश्यप अपना पैसा लेकर बिक गया है, मनोज तिवारी से पैसा लिया तब जाकर पार्टी ज्वाइन किया है। आपको लगता है इस बात में कोई सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई नहीं है, एकदम नहीं, मान ही नहीं सकते हम लोग, नहीं मान सकते ना। वो जितना अपने यूट्यूब चैनल से और चीजों से जो कमाते हैं वो गरीबों में डोनेट करते हैं, वो बंदा पैसे लेकर थोड़ी पार्टी ज्वाइन करेगा। हाँ। इतना तो हम लोग जानते हैं। क्या दिया है नीतीश कुमार ने आपको ऐसा जो खुश हो गए आप उनसे? बहुत बिहार में सिंचाई करने को दिया है, युवाओं को शिक्षा मित्र में नौकरी दिए है। हाँ। ये सब तो देते ही रहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अतीश बाबा और आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक थिंग्स और डेली न्यूज इंडिया। देखिए, लोकसभा चुनाव चल रहा है, मतदान हो रहे हैं, और जब राजनीति की बात होती है तो उसमें बिहार का चर्चा सबसे पहले होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बिहार और यूपी एक ऐसा स्टेट है जो राजनीति को है ना जड़ से पैदा करता है। ठीक है, बिहार में अभी वोटिंग चल रहे हैं, मतदान चल रहे हैं, 4 जून को रिजल्ट आने वाला है लोकसभा चुनाव का। बिहार में माहौल क्या है इस बार, इंडिया अलायंस क्या 40 में 40 ला पाएगी, इसी पर बातचीत करने वाले बिहारवासियों से, बिहार के लोगों से। तो सबसे पहले नाम क्या है आपका, ये बताइए। करण कुमार कुशवाहा। क्या लगता है बिहार में क्या माहौल है? माहौल तो इंडिया की है। इंडिया की है जी, बिल्कुल। आप बिहार में कहाँ से रहने वाले हैं? गोपालगंज जिला से। गोपालगंज से आपके एनडीए के प्रत्याशी कौन है वहाँ से? अल्लू कुमार सुमन जेडीयू से है। जेडीयू से है, जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे। अच्छा, इससे पहले कौन था वहाँ से? वही थे। काम किया है उन्होंने? बिल्कुल किए हैं। काम किया जी, ट्रांसपोर्ट लाइन में काम किया है। कौन सा लाइन में काम किया है? ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट लाइन में काम किया है। रोजगार मिला है युवाओं को? रोजगार तो अभी नहीं मिला है, जैसे कि ये काम स्टार्ट हुआ तो रोजगार जरूर मिलेगा। अच्छा, बताइए कि आपकी उम्र कितनी है? 24। क्या करते हैं अभी आप? अभी तो मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब करते हैं, म्यूजिक कंपनी में। कितनी सैलरी वहाँ? 25+। दिल्ली आए हुए हैं, दिल्ली आके कर रहे हैं ना आप जॉब? जी जी। बिहार में क्यों नहीं कर रहे हैं? वहाँ रोजगार नहीं है। वहाँ रोजगार नहीं, इसलिए तो यहाँ आए। जिम्मेदार है कौन इसके लिए? वहाँ के सरकार जिम्मेदार है, वहाँ के सांसद, वहाँ के विधायक, वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ की पार्टी बिल्कुल जिम्मेदार है। तो आप अच्छे कैसे कह रहे हैं, कैसे वो जीत जाएंगे? जैसे ट्रांसपोर्ट का काम जो जिस पर मुद्दा उठा रहे हैं। हाँ। वो काम होने लगेगा तो जो रोजगार मिलेगा युवाओं को वहाँ पे। अच्छा, वहाँ एयरपोर्ट, सभी एयरपोर्ट काफी। मुद्दा कब से उठा रहे हैं, कब से मुद्दा उठा रहे हैं? जब से वो अपना संसद कार्यभार संभाल रखे हैं तब से जी। और मुद्दा अब तक क्लोज हुआ नहीं है? मुद्दा अभी चल ही रहा है। अभी चल ही रहा है, कब तक चलेगा? अब देखिए, अब कब तक चलता है? जब तक दुनिया रहेगी तब तक चलता रहेगा, है ना? नहीं लग रहा है कि वो जल्दी काम हुआ। बस मुद्दा चलता ही रहेगा, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, है ना? इसके पहले मुद्दा नहीं चल रहा था। अच्छा, इससे पहले मुद्दा चल ही नहीं चल रहा था? बिल्कुल नहीं चल रहा है। तो अपना एक रेल लाइन का काम चालू कर रहे हैं। हाँ। उसके बाद एयरपोर्ट जो सभी एयरपोर्ट काफी दिन से बंद है गोपालगंज जिला में, उन्होंने पार्लियामेंट में अपना बात कहे। ठीक है, बिहार के युवा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कितना खुश है, कितना प्रभावित है? लगभग 60 के आसपास। हाँ, आप मैथ के स्टूडेंट हैं क्या जो परसेंटेज में जवाब दे रहे हैं? 60%। 60%? हाँ। काम उन्होंने कितना किया ये बताइए ना, आप कह रहे हैं 60%, 50%, ऐसे लोगों को थोड़ी ना समझ में आएगा। उन्होंने युवाओं के लिए क्या किया? युवाओं के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज खोला। अच्छा, युवाओं के लिए वहाँ पे अच्छा शिक्षा दे रहे हैं। अच्छा, और मेडिकल वेडिकल सब अच्छा व्यवस्था है। हाँ। पहले 10+2 में कितने मार्क्स आए आपके? 60% 60% आए। अच्छा, मतलब शिक्षा व्यवस्था है फिर भी 60% ही मार्क्स आया? फिर भी 60% आया जी, बिल्कुल। ठीक है, आपसे बात करके बहुत बढ़िया लगा। चाचा इधर आइएगा जरा, आप इधर आइए। आपका नाम क्या है? केदार प्रसाद कुशवाहा। क्या नाम? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार कैसे लगते हैं आपको? बिल्कुल ठीक लगते हैं। आपकी उम्र के लोग तो उनको गड़ियाते हैं। वो हर आदमी खुश थोड़ी रहता है। हाँ, आप खुश है? हम तो खुश है। क्या दिया है नीतीश कुमार ने आपको ऐसा जो खुश हो गए हैं आप उनसे? बहुत बिहार में सिंचाई करने को दिया है, युवाओं को शिक्षा मित्र में नौकरी दिए हैं। हाँ। ये सब तो देते ही रहते हैं। हाँ, नौकरी देते रहते हैं। नौकरी तो कह रहे की मैं दिया हूँ नौकरी, वो कहने के लिए तो हर स्टेट का मंत्री मुख्यमंत्री जो है वो जिसके से मिली जुली रहते हैं वही कहते हैं मैं करता हूँ, मैं देता हूँ। नीतीश कुमार बहुत पहले से मुख्यमंत्री है बिहार के?
पहले तो लालू प्रसाद यादव थे, 15 साल से गद्दी पे है ना नीतीश कुमार। हाँ है ना, 15 साल के बीच में उन्होंने कभी नौकरी नहीं दिया किसी को, कहाँ नौकरी दिया? तेजस्वी यादव आए हैं एक बार में 5 लाख बहाली निकाल दिया, ये तो नामुमकिन है। पहले से वो नौकरी फिक्स था। अच्छा, नौकरी फिक्स था पहले? हाँ, हाँ। की नियुक्ति करना है। अच्छा, तो गठबंधन में आए उसके बाद दबाव देकर उन्होंने जल्दीबाजी कराए। अच्छा, शिक्षा वाला बहाली, मतलब जो बिहार में नौकरी बांटी गई है उसका क्रेडिट आप है ना नीतीश कुमार को नहीं दे रहे, तेजस्वी यादव को दे रहे? नहीं, नीतीश कुमार को देंगे हम। नीतीश कुमार को देंगे जी, बिल्कुल देंगे। आप युवा है, कहा जाता है कि युवा है ना, युवाओं का जो पहला पसंद है वो तेजस्वी यादव है। और नहीं, बिल्कुल हमारे पास पसंद नहीं है, और किसी को होगा तो हम नहीं बता सकते। लेकिन बुजुर्गों का पहला पसंद कौन है? अरे हम लोगों को भी नीतीश कुमार पसंद है। नीतीश कुमार बढ़िया लगता है? हाँ। तो निकालने डालने की बात करते हैं आप? निकालने डालने की बात नहीं करते हैं। वो तो हमारे यहाँ बिहार के अंदर वो भी ठीक है। शिक्षा पहले तो दोनों शिक्षा दे रहे थे। हाँ, वो शिक्षा दे रहे थे। कौन सा शिक्षा दे रहे थे भाई? वो बता रहे थे कि क्या कहते हैं, मतलब जब से वो आए तो जनसंख्या कम हुई है, वो बता रहे थे। ये शिक्षा सभी दे रहे हैं। हाँ। अच्छा, बायो में, बायो मैं यूपी से हूँ, बायो में पढ़ाया जाता है वो, तो गलत होता है, हो जाता है। बायो में कोई मुख्यमंत्री बोल दिया वो गलत है, अगर टीचर पढ़ा रहे हैं तो सही है। अच्छा ठीक है, सुनिए ठीक है, समझ नहीं बोलने का, वो सलीका होता है उससे पता गलत था, पर उन्होंने बोला सही था। बिहार में सबसे अच्छी पार्टी कौन सी है? कांग्रेस, बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी? एनडीए पार्टी, मतलब भैया इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। बीजेपी और जदयू दोनों, अरे इधर थोड़ा सा इधर आ जाइए, इधर आ जाए। हां, बीजेपी और जदयू दोनों साथ है तो ऑब्वियसली दोनों अच्छी पार्टी है। लेकिन जदयू को कोई भरोसा नहीं ना है, कभी वो आरजेडी के साथ चली जाती है, कभी कांग्रेस के साथ चली जाती है, कभी बीजेपी के साथ आ जाती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इंडिविजुअल हर एक पार्टी को मैं बोल रहा हूं। पार्टी वाइज अगर बात करें तो ऑब्वियसली बीजेपी अच्छी पार्टी है, और नीतीश कुमार से अच्छा कैंडिडेट पूरे बिहार को नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने लोग तो कह रहे हैं कि मनीष कुमार, मनीष कश्यप से बढ़िया कैंडिडेट बिहार को कोई नहीं मिलेगा। अरे नहीं, बीजेपी में अच्छे थे तो आगे बीजेपी में, मनीष कश्यप आगे तो गया बीजेपी में, हो गया, लोग बीजेपी में आ रहे हैं। आप कह रहे थे कि मनीष कश्यप के आने से बीजेपी मजबूत हो गई है? हाँ, हो गई है, थोड़ी बहुत तो हो ही गई, क्योंकि वो बहुत ही मतलब प्रखर जो है बोलते हैं, तो क्योंकि अब बिहार में बोलने वालों की ज़रूरत है, और क्योंकि वो युवा हैं तो लोग उनको सपोर्ट करेंगे, तो मुझे लगता है मनीष कश्यप एक अच्छा कैंडिडेट बन सकते हैं बिहार के लिए, बन सकते हैं। लोग कह रहे हैं कि मनीष कश्यप ने धोखा दे दिया है, मनीष कश्यप ने धोखा दे दिया है अपने प्रशंसकों को, जो उनके जो फैंस है, जो उनके चाहने वाले लोग हैं, उनको धोखा मिला है। लोग चाह रहे थे कि मनीष कश्यप निर्दलीय ही चुनाव लड़े, लेकिन अचानक उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया और अब लोग उनसे नाराज है। आप युवा है, आप यूथ है, और कहा यह जाता है कि मनीष कश्यप को सबसे ज्यादा चाहने वाला कोई अगर है तो वो युवा है बिहार का। आपको क्या लगता है कि मनीष कश्यप ने जिस तरीके से पाला बदला है और बीजेपी ज्वाइन कर लिया है, सही डिसीजन है उनका या गलत डिसीजन है, बताइए आप जरा। देखिए, तत्काल में अगर सोचने पर तो गलत डिसीजन है, लेकिन वो सही किया उन्होंने, क्योंकि बीजेपी में जाकर उन्हें पार्टी को और मजबूत बनाएंगे, और आने वाला दिन में उनको प्रत्याशी के रूप में देखा जाएगा। अच्छे आज के युवा अगर राजनीति में ना आए तो फिर राजनीति सही नहीं चलेगा ना, तो मुझे लगता है कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, और मनीष कश्यप ने अच्छा किया है राजनीति में आकर। मनीष कश्यप ने अच्छा किया, बहुत अच्छा, बढ़िया। बहुत लोग गाली दे रहे हैं उनको, उनको क्या कहिएगा? गाली देने वाले ऐसे तो लोग मोदी जी को भी गाली देते हैं, लेकिन उन्होंने अच्छा काम किया है तो मुझे लगता है कि सही है। लोग कह रहे हैं, लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि मनीष कश्यप ने पैसा लेकर बिक गया है, मनोज तिवारी से पैसा लिया तब जाकर पार्टी ज्वाइन किया है। आपको लगता है इस बात में कोई सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई नहीं है, एकदम नहीं, मान ही नहीं सकते हम लोग, नहीं मान सकते ना। वो जितना अपने YouTube चैनल से और चीज़ों से जो कमाते हैं वो गरीबों में डोनेट करते हैं, वो बंदा पैसे लेकर थोड़ी पार्टी ज्वाइन करेगा। हाँ। इतना तो हम लोग जानते ही हैं बिहार। क्या कहना है आपका? बिल्कुल जो भैया बोले वही सही है। हाँ हाँ, जो भी कमाते हैं वो तो गरीबों में दान करते हैं, बच्चे के शिक्षा के लेके। हाँ। और गरीबों के जो झोपड़ी में जाकर जो भी दान देना होता है। मिले मनीष कश्यप से आप? नहीं, मैं तो नहीं मिला हूँ। आप मिले हैं? नहीं, मिला तो नहीं हूँ, वीडियोज़ देखता हूँ उनके, मिला नहीं है कभी। प्रभावित है आप उनसे? हाँ हाँ बिल्कुल, फैन हो आप उनके? फैन नहीं, बस प्रभावित हूँ, अच्छा वक्ता है, बोलते अच्छा है। और क्या लगता है, बीजेपी ज्वाइन करके वो तेजस्वी को टक्कर देंगे? अरे बिल्कुल देंगे, तेजस्वी को तो देना ही चाहिए। देंगे बिल्कुल देंगे उन्होंने। वो क्या लगता है, ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि मनीष कश्यप को पार्टी ज्वाइन करना पड़ा? निर्दलीय ही तो सही थे वो। मुझे लगता है कि वो अभी जेल में रहकर आए थे, उसमें तेजस्वी यादव और जो वो पार्टी के लोग थे उन्होंने उनको बहुत परेशान किया है, तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि चलो भाई पार्टी ज्वाइन करते हैं, कुछ मजबूती आएगी तो बेहतर प्लेटफॉर्म पे कुछ कर पाएंगे, है ना।